दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन। और जैसे कि आपको पता है सैमसंग कभी भी अपने फ़ोन के साथ कवर या केस प्रोवाइड नहीं करती है, हमें ये सब आफ्टर मार्केट ही बाय करने पड़ते हैं। और स्क्रीन प्रोटेक्टर की वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी, मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर की वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो। 100% ये एच टू एच तक है, देख सकते हो आप क्वालिटी इसकी काफ़ी मस्त है। इसकी वीडियो चैनल पर है, आप जाके चैनल पर देख लेना। और कवर मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और ये वाला कवर, ये पीछे से 100% ट्रांसपेरेंट होता है, साइड बॉर्डर इसका ब्लैक होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4F14 यू के हाई क्वालिटी। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं, चादर भी लगा कर इसमें देखेंगे और ईयरफोन को लगा कर भी हम देखेंगे, पोर्ट्स की कटिंग का हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है ये कवर, तो आप देख सकते हो अभी इस पर, हाँ यहाँ पर कुछ लगा हुआ है और नीचे भी कुछ लगा हुआ है। तो इनको हम बाद में उतारेंगे, पहले हम इनकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चारों कॉर्नर्स पर आपको बम्पर्स मिल जाते हैं, ये देखिए प्रॉपर आपको कैमरा प्रोटेक्शन मिलता है, कुछ इस तरीके आपको बटन्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता। और पोर्ट्स की कटिंग आपको कुछ ऐसी मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इतना फ्लेक्सिबल भी होता है। और ये कई लोग कहते हैं कि आप पीछे से ग्लास का होता है, देखो ग्लास का नहीं होता, ग्लास का होता तो टूट जाता, ये देखिए। तो चलिए इसको लगा कर एक बार हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा बिल्कुल अंदर चला गया है, और जो होल्स हैं इनकी कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी अगर हम लगा कर चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो बटन्स वगैरह सारे ओके हैं। और बम्पर्स आप देख सकते हो, अगर आपका फ़ोन कॉर्नर से ऐसे नीचे गिरता है इस कवर को लगाने के बाद, तो फ़ोन की जो डिस्प्ले वो क्रैक नहीं होगी, ये फ़ोन की डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेंगे। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कैमरा थोड़ा सा ना मतलब आगे पीछे हो गया। तो चलो ये और इसको दोबारा आकर चेक करते हैं। बट मुझे अभी भी लग रहा है फ्लैश लाइट तो बिल्कुल सेंटर में है, बट ये कैमरा थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि थोड़ा सा टेढ़ा है। बाकी चलो ठीक है, अभी इस फ़ोन का कवर कहीं पर मिल नहीं रहा है। और पीछे से आप देख सकते हो सैमसंग वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा है। तो चलिए एक बार चार्जर भी लगा कर इसमें चेक कर लेते हैं, ये देखिए। और ईयरफोन भी हम लगा कर चेक कर लेते हैं, अभी ये फ़ोन पर है और ईयरफोन लगाने के बाद हेडसेट पर आ गई। सैमसंग के फ़ोन में वैसे आपको ऊपर ईयरफोन का सिंबल नहीं दिखाई देता, आपको ऐसे ही चेक करना पड़ता है। तो चलिए अब इसका हम ये उतार लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो 100% ट्रांसपेरेंट हो चुका है, देखिए। और अब एक बार लुक देखते हैं, मतलब क्या मस्त लग रही है। कैमरा प्रोटेक्शन तो आपको इसमें बिल्कुल प्रॉपर मिल जाती है, बट ये मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा, हो सकता है इस वाले में ऐसा हो, बट ठीक है कैमरा एक प्रोटेक्ट तो कर ही लेगा, बाकी का और तो बिल्कुल ठीक है। और प्राइस मैं आपको इसका बता देता हूँ, 200 रुपये का मैंने इसको बाय किया है। अगर आप भी खरीदना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बाय लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।